हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक व्हाट्सएप टूल एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का हम डेमो दिखा देते हैं। तो जैसे इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा। तो परमिशन यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बाद जस्ट इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसे अलाउ कर देंगे, बैक जाएंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारा इसका इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। तो इसका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले पर मैंने क्लिक किया। तो क्लिक होने के बाद यहाँ पर जो व्हाट्सएप ऐप, जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन होता है उसका वेब फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो उसका व्हाट्सएप का जो है QR यहाँ पे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा व्हाट्सएप। फिर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, क्या क्या एक्सेस करेगा वो सब कुछ यहाँ पे सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वर्क एंड चैट, यानी आप इसके साथ साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एडमोब का ऐड भी लगाया हुआ है, इंटरशियल ऐड। तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से भी शो हो रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने उसको ओपन किया, यहाँ पे चैटिंग का एक ऑप्शन आ जाता है, यानी व्हाट्सएप की तरह से सेम टू सेम। तो इसमें आप यहाँ से चैटिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को हम आपको क्रिएट करके बताएंगे कैसे करना है, सारे स्टेप बाई स्टेप। उसके बाद से इसको हम दिखा देते हैं कैसे इसमें चैटिंग करते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर न्यू चैट। तो पहले आपको यहाँ पर नेम अपना लिखना होगा, कोई भी नेम, ठीक है। तो मैंने अपना नेम यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे अगर प्रोफाइल लगाना चाहते हैं तो प्रोफाइल फ़ोटो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। स्टेटस आप किस तरह से सीन कराना चाहते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग इस तरह का स्टेटस होता है, अगर इसे शो कराना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर व्हाट्सएप की तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग, ये सब जो है वो सब कुछ यहाँ पे फीचर जिसमें आपको मिल जाता है। और यहाँ पे स्टेटस, अगर स्टेटस लगाना चाहते हैं तो स्टेटस भी आ जाएगा, कॉलिंग करना चाहते हैं तो कॉलिंग वाले पार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन में इतने सारे फीचर्स इसमें आपको दिए रहेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद से जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ से ओपन करके दिखाते हैं। तो अगर कोई स्टेटस लगाना चाहते हैं तो स्टेटस में हमने लिख दिया हाय, तो जो है आप स्टेटस वाले पार्ट में ही आ जाते हैं और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बैक जाते हैं और बैक, और यहाँ पे फिर से आपके होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्टेटस सेवर, यानी जो भी आप स्टेटस देखना चाहते हैं आपके ओरिजिनल व्हाट्सएप स्टेटस में, जो आपके स्टेटस में जो कोई भी स्टेटस लगाया हुआ होगा, आपने उस स्टेटस को देखा हुआ होगा, तो वो जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जो फोटो लगी होती है, इमेजेस लगी होती है, वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है इस एप्लीकेशन के अंदर। डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, तो अगर यहाँ पे अनसेव्ड नंबर है आपका, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं उस नंबर को। बाकी यहाँ पे है रेटस, यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और यहाँ पे उसके बाद एक इंटरशियल ऐड मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इंटरशियल ऐड भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। बस इसमें एक ही ऐड लगा हुआ है, वो है इंटरशियल ऐड। और इसके वजह से जो यहाँ पे गैलरी है तो गैलरी वाले को भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज, इमोजी, कोई टेक्स्ट यहाँ पे यहाँ से लिखेंगे तो इमोजी के फॉर्मेट में चेंज कर देगा। लाइक यहाँ पे हम दिखा देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हाय, ट्रांसलेट किया, आप नीचे देख सकते हैं सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है मेरा इमोजी के फॉर्मेट में, और एक दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन होता है यहाँ पे काम करता है। इसको कॉपी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसको कॉपी किया, नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट में यहाँ पे रेडी हो जाता है। उसके बाद से इसको यहाँ पे टेक्स्ट रजिस्टर, तो यहाँ पे टेक्स्ट रजिस्टर पे करेंगे, यानी कि रिपीट टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को आप जितनी बार उतनी रिपीट कर सकते हैं, तो डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट करके आपको दे देगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्निक ड्यूट। उसके बाद से नीचे है यहाँ पे लिखा है रिपीट, यानी कितने टाइम आप इसको रिपीट कराना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, इसको इंटर किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 टाइम यहाँ पे जो है क्रिएट होके आ गया। और यहाँ पे न्यू लाइन ऑफ अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू लाइन ऑफ हो जाएगा, ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। फिर इसको भी यहाँ पे कॉपी, क्लियर, शेयर का ऑप्शन है, तो इसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो भी आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो हम इसका जो सोर्स कोड है आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, इसका जो सोर्स कोड है आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस सोर्स कोड का, आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सोर्स कोड पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। तो आप इसके राइट साइड में भी देख सकते हैं इसका पासवर्ड, मैं यहाँ पे शो करा दिया है। जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे और इस सोर्स कोड को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और जो सोर्स कोड है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक जिप फाइल होता है, तो जिप फाइल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, ज़्यादा नहीं बड़ा है। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको विनरार सॉफ्टवेयर से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर हम इसको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इसको इम्पोर्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाने देते हैं पहले, ठीक है। तो हो चुका है, उसके बाद से हम इसको ओपन करके पहले आपको शो करा देते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दो फाइल मिलेगी, पहले मिलेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन का फाइल जिसमें सारे प्रोसेस लिखे रहते हैं, और दूसरा हो गया यहाँ पे कोडिंग का पार्ट। तो दोनों पार्ट आपको मिल जाएगा सोर्स कोड के साथ ही। इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ पे आपको आ जा रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो में, यहाँ पे ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, और जहाँ पे भी आपने सोर्स कोड को रखा हुआ है तो उसका पाथ यहाँ पे हम ले लेंगे। तो मैंने अपने ई ड्राइव के अंदर इस सोर्स कोड को रखा हुआ है, तो ई ड्राइव से हम इस सोर्स कोड को यहाँ से हम ले लेते हैं। तो व्हाट्सएप में जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो उसी का ही एप्लीकेशन है व्हाट्सएप टूल, ठीक है। उसके बाद से नेट को ऑन कर देना है, ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो सोर्स कोड होगा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा कुछ सेकंड के बाद। थोड़ा सा टाइम लगता है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर नेट की स्पीड अच्छी रहती है तो जल्दी से इंपोर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ लाइब्रेरीज होती है, कुछ फाइल्स होती है जो ऑनलाइन डाउनलोड करता है। अगर इसे आप ऑफलाइन इसे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, एरर आ जाता है, क्योंकि वो उसको डाउनलोड नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उससे पहले जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है उससे पहले इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ से ओपन करके हम चेक कर लेते हैं कि इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या दिया हुआ है। आप सिंपली डबल क्लिक करके index.html को भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज पाथ को कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको पैकेज के नेम को चेंज कर देना है यहाँ से, और यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स है, लोगो है, एंड फायर पे इसको कैसे ऐड करना है, कैसे वन सिग्नल आईडी ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे है कि ऐड मोड के ऐड को कैसे लगाना है, वो सब कुछ सारे प्रोसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज हम वीडियो में सारे स्टेप्स आपको करके बताएंगे। आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारे स्टेप्स हम आपको अच्छे से बता देंगे जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा आप देख सकते हैं मेरा जो सोर्स कोड है यहाँ पे मेरा इम्पोर्ट हो चुका है। तो इंपोर्ट हो जाने के बाद अब हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, और बाकी जो है सारा जो यहाँ से ओपन है तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं अभी। तो मैंने इस सोर्स कोड को एक बार ओपन किया था, इसी वजह से सब कुछ यहाँ पे एक्सपेंड हुआ था। तो अगर आप इसे पहली बार करेंगे तो कुछ भी एक्सपेंड नहीं होगा, सेम इस तरह से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे build.gradle में आ जाना है और इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले आपको कंपाइल एसटीके वर्जन है 29 दिया हुआ है, कंपाइल एसटीके वर्जन, और यहाँ पे मिनिमम एसटीके वर्जन 21, टारगेट एसटीके वर्जन 29। तो आप इसको 29-30 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से बाकी सारा जो है इसे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाले फाइल में हम आते हैं, और बाकी सारी जो कोडिंग है हम इसको यहाँ से चेक कर लेंगे। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर जो है यहाँ पे जो मैंने परमिशन दिया है यहाँ पे ए रेट शो हो रहा है। तो सिंपली इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, और कट करने के बाद यहाँ पे अपने नोटपैड में ला करके इस परमिशन को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंटरनल सिस्टम विंडोज़ का परमिशन है, तो ये कोई एरर नहीं है, बस यहाँ पे रेट शो हो जाता है कभी कभी। तो हम इसको फिर से और परमिशन इसको दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं यूजर परमिशन, ठीक है, यूजर परमिशन। और उसके बाद से हमारा जो परमिशन था इंटरनेट सिस्टम विंडोज़ का था, इसको क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे रेड शो हो रहा है, तो इसमें कुछ एरर नहीं है, ठीक है, आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जावा में आ जाएंगे, और जावा में आने के बाद
यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करके पहले चेक कर लेंगे सारी फाइल को। तो इस तरह से आपको सारी कोडिंग का जो पार्ट है इसको आपको एक्सपेंड करके चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर रहेगा तो उसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। बाकी जो वहाँ पे मैनिफेस्ट वाली फाइल का जो एरर था वो कोई एरर नहीं है, बस वहाँ पे वो रेड शो हो रहा है, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से चलेगा, उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एसेट वाले फोल्डर में आप देख सकते हैं कुछ एसेट्स में मेरे टाइप्स दिए हुए हैं, यानी कुछ फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था जब वहाँ पे रिपीट कर रहे थे टेक्स्ट को, तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का शो हो रहा था, वो सब कुछ यहाँ पे एसेट वाले फोल्डर से वहाँ पे वो लेता है। उसके बाद से बाकी जो पार्ट है यहाँ पर ड्रॉवल फोल्डर के अंदर सारी इमेजेज रहती हैं, जितना भी इमेजेज उस एप्लीकेशन में यूज हुआ रहता है। फिर यहाँ पे लेआउट वाले में आ जाएंगे, लेआउट वाले पार्ट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसका जो कलर कैसे शो हो रहा है, और यहाँ पे जो इसका बाकी सारा जो लेआउट है उसको कैसे शो हो रहा है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कोडिंग पार्ट है, स्प्लिट एंड डिजाइनिंग पार्ट, तो इसको हम यहाँ इसको देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो एडमोब का ऐड लगा हुआ, बस एक ही ऐड लगा हुआ है, वो है इंटरशियल ऐड, ठीक है। तो इस वाला पार्ट जो कि होम पेज इसका आ रहा था, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और अगर कोई आइकन आपको चेंज करना है तो सिंपली उस पर क्लिक करके उसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसका जो लेआउट है डिज़ाइन कर देते हैं, सिस्टम ही वाई, ठीक है। तो इसका जो कलर होगा, कलर पहले आपको कुछ इस टाइप का शो होगा, यहाँ पे कुछ रेडिश टाइप में है और यहाँ पे लाइट पिंक कलर है। तो इसका ऊपर का कलर चेंज करना है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, आपको सिंपली कलर्स डॉट एक्सएमएल के अंदर आ जाना है, और जो भी कलर आपको यहाँ पे लेना है यहाँ पे कलर आपको चेंज कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लू कलर। ब्रांड यहाँ पे जो ब्रांड रेड होगा वहाँ पे रेड की जगह पर मैंने ब्लू कर दिया, और यहाँ पे जो ऊपर का जो पार्ट है नेविगेशन बार यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो उसको आपको यहाँ से चेंज करना है, इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना है तो कलर आपको यहाँ पे पास कर देना है। एक कलर पिकर होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो में दिया रहता है, अदरवाइज़ इसका जो हेक्साडेसिमल कोड भी आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया डार्क ब्लू, इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर का बस अभी हुआ है डार्क ब्लू, फिर इसको आपको सेंटर वाले पे क्लिक कर देना है, और इसको भी हम लाइट ब्लू कर देते हैं इसका कलर को। अब इस फिर से चेक कर लेते हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जो कलर है यहाँ से चेंज हो चुका है। तो इस तरह से जो भी कलर आपको पसंद हो, जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं, यहाँ से कोई कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसको कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो क्या कलर चेंज करना मैंने आपको बता दिया, बाकी जो अगर वहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेआउट वाले पार्ट से जा करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से कर लेना, और जो बटन का कलर है तो बटन का भी कलर यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू हो चुका है, और यहाँ पे डायमेंशंस हैं, फिर यहाँ पे स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है, तो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जो एप्लीकेशन का नेम है तो यहाँ से चेंज होगा। सिंपली आप जो भी एप्लीकेशन का नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे रख देना है। तो मैंने अपने एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे रख दिया, तो ये व्हाट्सएप टूल से रिलेटेड है, तो मैंने कर दिया व्हाट्सएप में जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो सब कुछ इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो इसलिए व्हाट्सएप टूल का एप्लीकेशन है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक एडमोब का ऐड भी लगाना होगा सबसे लास्ट में, फिर यहाँ पे स्टाइल डॉट एक्सएमएल को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है, जो चेंजिंग आपने किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैंने इसे सिंक नाउ पे क्लिक कर दिया, और नीचे आप देख सकते हैं इसका प्रोसेसिंग है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हो चुका है इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट। उसके बाद इसमें देखेंगे कैसे इसके पैकेज के नेम को चेंज करेंगे, तो आपको सिंपली ऊपर आ जाना है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बस कॉम के बाद जो वाला है जो पार्ट है उसको बस आपको चेंज करना होगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है रिफ्लेक्टर, एंड यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे आपको रीनेम पैकेज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो भी आप पैकेज का नेम ऐड करना चाहते हैं यूनिक पैकेज नेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे अपने पैकेज के नेम को इंटर कर देते हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर करेंगे, डू रिफ्लेक्टर पे क्लिक कर देंगे, तो जो यहाँ पे पैकेज का नेम है यहाँ पे चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद यहाँ पे मैनिफेस्ट वाले फाइल में आते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे,
और यहाँ से कॉपी हो जाने के बाद सिंपली इसको अपने नोटपैड पे पेस्ट कर देते हैं इस पैकेज के नेम को। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा नोटपैड, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। बाकी जो यहाँ पे परमिशन है तो परमिशन हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। और आपका परमिशन मैंने वहाँ पे ऐड किया था पहले भी, तो यहाँ पर मैंने रिमूव हो गया था, तो इसको हम यहाँ से फिर से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनल सिस्टम विंडोज़ का जो परमिशन था तो आपको मैंने आपको बता दिया कैसे ऐड करना है। बाकी इसमें जो एरर शो हो रहा है इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एरर नहीं है, बस यहाँ पे शो हो रहा है ऐसे ही, ये आपके एप्लीकेशन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद से आपको इसको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो इसका लोगो है तो लोगो कैसे चेंज करना है वो हम आपको बताते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, तो इसको मैंने अपने फोल्डर में रखा हुआ है। इस लोगो को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, जिसकी जो साइज होनी चाहिए 512 इसकी हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, यानी 512 इसकी जो हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, इस लोगो को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम अपने ड्रावर फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिंपली इस पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया और उसके बाद से जिस भी नेम से आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ इस नेम से सेव कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया chatsfun.png नेम से, मैंने इस लोगो को यहाँ पे ले लिया, जिसकी साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ एंड्रॉयड और यहाँ पे आइकन लिखा हुआ है, उसके बाद जो पार्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिख देना है चैट्स फन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ गया, ड्रावल फोल्डर के अंदर है चैट्स फन नेम का जो इमेज यहाँ पे सेट हो चुका है, हमारी जो लोगो है वो यहाँ पे सेट हो गया। फिर यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो इसका पैकेज का नेम मैंने चेंज किया था तो उसको हम पहले सेट कर लेते हैं। नीचे आपको आ जाना है बिल्ड और ग्रेडल वाले पार्ट में, यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी के जगह पे जो मैंने पैकेज का नेम चेंज किया था यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ओके, तो पेस्ट हो चुका। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पे ऐड करेंगे फायरबेस को, यानी जो मैंने पैकेज के नेम को चेंज किया है अब हमें फायरबेस से इसको यहाँ पे लिंक अप करना है। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे टाइप करना है फायरबेस। तो फायरबेस का यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है firebase.google.com, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है आपको अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। तो लॉगिन हो गया और यहाँ पे जैसे गो टू कंसोल पे जस्ट क्लिक कर देना है तो यहाँ पे फायरबेस का कंसोल यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है, यहाँ से एप्लीकेशन के नेम को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो एप्लीकेशन का जो भी नेम आपका होगा यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ड्स टूल। ठीक है, फिर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं इसको। ओके, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे इसको इनेबल गूगल एनालिटिक्स है तो सिंपली आपको इसको डिसेबल कर देना है और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। जो इसका प्रोजेक्ट है यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ सेकंड के बाद इसका जो प्रोजेक्ट है फायरबेस का प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। और हमें एक और चाहिए इसके बाद, इसमें जो वन सिग्नल की है तो यहाँ पे न्यू टाइप में आते हैं, यहाँ पे वन सिग्नल टाइप करेंगे। फिर वन सिग्नल जनरेट करने का इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे onesignal.com यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले इसको आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से हम गूगल से इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये रहा हमारा मेल आईडी, जिस मेल आईडी से मैंने फायरबेस को किया था उसी मेल आईडी से हम यहाँ से इसको भी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे न्यू ऐप एंड और वेबसाइट पर जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन का नेम है तो जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैंने कर दिया व्हाट्स टूल और उसके बाद से गूगल एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद से आपको यहाँ पे आपको पूछेगा फायरबेस सर्वर की एंड फायरबेस सेंडर आईडी दोनों आपको चाहिए तो वो आपको फायरबेस से मिलेगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे रजिस्टर ऐप। तो यहाँ पे पहले आपको अपने पैकेज का नेम यहाँ पे इंटर करना है। तो पैकेज का नेम मैंने नोटपैड में पेस्ट किया था, जस्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं।
यहाँ पे इश्क कर देंगे। और यहाँ पे चाहे तो इसका जो ऐप का निक नेम ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे आप रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो इसका SHA-1 की है तो ये यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसमें कैसे यहाँ पे प्रोसेस किया गया है। तो यहाँ पे SHA-1 की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस JSON का जो फाइल है यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे नीचे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, कंटिन्यू टू दी कंसोल। तो फायरबेस का कंसोल यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं google.service.json मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो जस्ट इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जेक क्रिएटर प्रो से ओपन हो जाता है, एक टेक्स्ट एडिटर है, आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और करने के बाद यहाँ पे हम एंड्रॉयड में आएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर फिर यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, ऐप के अंदर इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल सर्विस JSON का कोई फाइल नहीं है अवेलेबल, तो हमें इस एक काम और कर सकते हैं कि हमें इसका पूरा फाइल ही हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, इसके पूरे फाइल को, JSON के पूरे फाइल को। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लिए हैं google.service.json फाइल को, तो जो डाउनलोड होता है वो मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आ जाता है। इसका नेम यहाँ से देख लेते हैं, google.service.13.json। ठीक है, तो इस नेम से यहाँ पे सेव हुआ है मेरा google.service.json। मिनिमाइज कर लेते हैं हम, यहाँ पे अपने दिस PC में आपको आ जाना है, यहाँ पे डाउनलोड्स में आ जाना है। तो आप देख सकते हैं जो उसका नेम था मेरा था google.service.13.json, सबसे ऊपर वाली फाइल जो डाउनलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है, यही वाली JSON फाइल थी। जस्ट इस पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो जाने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है और यहाँ पे ऐप के अंदर आएंगे, ऐप पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो इसका नेम है, तो नेम आपको जो यहाँ पे लिखा है 13, तो आपको इसको यहाँ सिंपली रिमूव कर देना है। जब बस आपको यहाँ पे लिखना है google.service.json, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। रिफ्लेक्टर कर देंगे और यहाँ पे आपका जो google.service.json का जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, तो आपके पैकेज के नेम के साथ यहाँ पे पेस्ट हो चुका है परफेक्टली। इस पर क्लिक कर देंगे और अपने एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक, यहाँ पे एंड्रॉयड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेट हो चुका है, यानी हमारा जो फायरबेस से कनेक्टिविटी इसकी हो चुकी है। इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद से हमें एक काम और करना है, वो है OneSignal App ID, उसको आप कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ से मैंने OneSignal App ID, इसके आपको यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग में आ जाएंगे, क्लाउड मैसेजिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्वर की। सर्वर की को आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, फायरबेस सर्वर के, जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सर्वर की को। फिर यहाँ पे हमें सेंडर ID भी चाहिए, सेंडर ID को जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। OneSignal की हम इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि हम जब भी कुछ अपडेट करते हैं तो या फिर जो कुछ हम ऐड करते हैं तो हमारे जो यूजर्स होते हैं उनको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो, इस वजह से हम OneSignal App ID जनरेट करके उसमें ऐड करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो गूगल एंड्रॉयड है एक्टिव हो चुका है। उसके बाद keygen ID पे जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पे OneSignal App ID जनरेट हो चुका है, जस्ट इसको आपको कॉपी कर लेना है। यही है हमारा OneSignal App ID, कॉपी किया और यहाँ से प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, build.gradle में आएंगे। यहाँ पे आपको OneSignal App ID की यहाँ पे लिखा है पुट योर OneSignal App ID, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हो चुका, जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ कर देंगे। तो हमारा जो फायरबेस है, फायरबेस से लिंकअप भी हो चुका है और यहाँ पे OneSignal App ID भी मैंने जेनरेट करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद से हमारा एक काम और बचा और वो है यहाँ पे फायरबेस को ऐड करना। तो फायरबेस को हम ऐड करना अब आपको बताएंगे, तो सॉरी यहाँ पे हम एडमोब के ऐड को हम ऐड करना बताएंगे। तो एडमोब के ऐड को कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे RES वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको आ जाना है वैल्यूज़ के अंदर string.xml, सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऐड करना है लिखा हुआ App ID, यहाँ पे ऐड करना है Interstial ID। तो यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है, यहाँ पे टाइप करना है एडमोब। तो एडमोब का इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आपको मिल जाएगा, admob.google.com, जस्ट इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसे साइन इन कर लेंगे।
तो आपको अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से आपको पहले साइन इन कर लेना है अपने एडमोब के अकाउंट को। तो मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन किया हुआ था, तो यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। ऐप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक कर देंगे। हम फिर से कर देते हैं इसको, जस्ट यहाँ पे हम ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना है, एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, नो एंड कंटिन्यू। एप्लीकेशन का नेम आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, तो मैंने इंटर कर दिया और यहाँ पे ऐड ऐप पे जस्ट क्लिक कर देना है। जस्ट क्रिएट ऑन डन, ऐड ऐड यूनिट। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरशियल आईडी बस चाहिए, जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे इंटरशियल पे और यहाँ पे ऐड का नेम लिख देंगे ऐड वन। क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की आईडी यहाँ पे आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे। अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी या ऐप आईडी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और नीचे यहाँ पे इंटरशियल ऐड आईडी, तो इंटरशियल ऐड आईडी को भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जस्ट कॉपी इट और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो जो ऐड है यहाँ पे एडमोब का ऐड है यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे इसको जब एक्टिव हो जाता है तो तुरंत ऐड शो होने लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, अगर आपका जो ऐड है शो नहीं होता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद ऐड शो होने लगता है। तो मेरे में जो है तुरंत शो होने लगता है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, तो इस वजह से शो होने लगता है इसका अकाउंट यहाँ पे, इसका जो एड्स है तुरंत शो होने लगता है लगाते ही, तो आपका भी शो होने लगेगा। तो यहाँ पे इसको बाकी सारा जो कुछ चेंजिंग करना है आपको यहाँ पे जो लेआउट वाला पार्ट है तो कुछ और आपको करना है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। लाइक यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी में हम इसका जो लोगो है, लोगो हम चेंज करना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लोगो के जगह पे हमें अपना खुद का लोगो लगाना है, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे SRC लिखा हुआ है मीप मैप के अंदर IC लॉन्चर, तो हमें ये नहीं चाहिए, जस्ट यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है। बस इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और मैंने एक लोगो लगाया हुआ था चैट्स फन नेम का, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे चैट्स फन। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉवल फोल्डर के अंदर चैट्स फन नेम का जो इमेज है यहाँ पे सेट हो चुका है। और इस तरह से कोई भी इमेज होगा, कोई भी लोगो होगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे बाकी सब चेंजिंग करना होता है, कैसे यहाँ पे लगाना होता है, कलर को कैसे चेंज करते हैं। और यहाँ पे बाकी बहुत ईजी तरीके से इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से रिस्किन कर लेंगे। तो सब कुछ आप यहाँ से देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो सेट करना है आप इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी कुछ और इसमें नहीं बचा है। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करके चेक करेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से शो हो रहा है और कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ और डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं string.xml से अपना डिटेल और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका दो मेथड होता है यहाँ पे इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, मेनली आप यहाँ पे इमुलेटर से भी रन करके चेक कर सकते हैं और दूसरा मेथड होता है इसका APK जनरेट करके आप इसको मोबाइल फ़ोन में रन करके चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे APK जनरेट करते हैं, बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड APK पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बिल्ड APK जनरेट हो जाएगा। अगर आप इसको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंड APK जनरेट करना होता है, तो सिंपल सा होता है ये साइंड APK कैसे जनरेट करना है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे देंगे, आप सिंपली वहां से देख करके साइंड APK जनरेट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पब्लिश करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे, सिंपली उस वीडियो को देख करके आप प्ले स्टोर पब्लिश भी कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को। तो मेरा जो है इसका बिल्ड APK यहाँ से जनरेट हो रहा है, इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे जो बिल्ड APK यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और जो मैंने लोगो लगाया हुआ था तो भी यहाँ पे सेट हो चुका है और सारे प्रोसेस यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरा बिल्ड APK सक्सेसफुली जनरेट हो चुका, तो जस्ट यहाँ पे लोकेट पे क्लिक कर देंगे और जहाँ पे भी यहाँ पे जो बिल्ड APK होगा यहाँ पे इसका लोकेशन आपको मिल जाता है। तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं बिल APK को और इसको हम अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके इसको चेक करेंगे। इसका नेम आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल APK का ही बस नेम चेंज होता है,
यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का नेम जो चेंज करना होता है तो वो आपको string.xml के अंदर से जा करके भी चेंज करना होता है। बाकी बिल APK का नेम आप कोई भी नेम रख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ पे APK का नेम ही चेंज होता है। ओके, यहाँ पर लोकेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसका नेम हम जस्ट चेंज कर देते हैं। तो इस APK का नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। इसके बाद से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में लेकर के इसको हम रन करके चेक करेंगे कि इसका जो APK है हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने कॉपी किया। तो इस APK का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको देखना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने से पहले कि एप्लीकेशन किस तरह से शो हो रहा है, तो आप सिंपली डेमो के अकॉर्डिंग डेमो की तरफ से इसको आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में हम ले लेते हैं और रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको मोबाइल फ़ोन में मैंने इसको ले लिया। इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं और ऊपर नेम भी चेंज हो चुका है, इसका लोगो भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लिया और करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्प्लैश स्क्रीन के पास जो लोगो था लोगो भी चेंज हो चुका है। जस्ट यहाँ पे अलाउ कर देंगे, अलाउ परमिशन इसे भी अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे चेंज करना है। जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देंगे और यहाँ पे इसको अलाउ परमिशन कर देंगे। करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर का जो कलर था मैंने ब्लू कर दिया है, पहले रेड था तो यहाँ पे ब्लू हो चुका है। और यहाँ पे कुछ सेकंड का लोडिंग होगा, होने के बाद यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है नेट की स्पीड से चलेगा। तो इसको आपको जो आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ से चलने लगेगा। फिर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है तो जो भी एक्सेसिबिलिटी आप इस एप्लीकेशन में देना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है यहाँ से ओपन हो जाएगा। बाकी सारा जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ से दिखा देते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है व्हाट्सएप चैट, तो व्हाट्सएप चैट करना है तो उससे पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरशियल ऐड यहाँ पे शो हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो इंटरशियल ऐड ये हमारा जो ओरिजिनल ऐड है यहाँ पे शो हो रहा है। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप यहाँ से ओपन हो जाता है। जो भी यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की तरह से काम करेगा। यहाँ पे मेनली चैटिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। जस्ट हम दिखा देते हैं कैसे इसमें चैटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे नीचे जो आइकन बना है उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको नेम लिख देना है। फिर यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो अगर लगाना चाहते हैं तो सिंपली प्रोफाइल फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टेटस, क्या स्टेटस दिखाना चाहते हैं तो आप इसको सब कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको हो जाएगा, जस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है चैटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ से आप इसे चैटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो सारे टूल्स इस एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। बाकी अगर कुछ और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो इस सारे ऑप्शंस आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ अगर स्टेटस लगाना चाहते हैं तो स्टेटस भी आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे उसका जो स्टेटस है तो स्टेटस भी लग जाएगा। बाकी सारा इसमें अगर कुछ व्हाट्सएप, अगर आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में कोई स्टेटस किसी ने लगाया है और आपने उसको पूरा सीन कर लिया है तो करने के बाद इसमें आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको फिर से अपलोड भी कर सकते हैं आप अपने अपने व्हाट्सएप के अंदर ही। तो इसमें इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे रिसेंट जो भी आपने रिसेंट में देखा होगा स्टेटस वीडियोस तो सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाए। यहाँ पे आप यहाँ से सेव देख सकते हैं और उसके बाद से सेव करना चाहें तो सेव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। बाकी सारा है अनसेव्ड नंबर, अगर आप इसको कोई भी नंबर है सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं मैसेज। आप इस तरह से भी रेट करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को तो रेटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका एडमूव का ऐड है तो एडमूव का ऐड भी हमारा जो ओरिजिनल ऐड है बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे एक टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे जितने टाइम आप करना चाहते हैं उतने टाइम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट टू इमोजी है तो टेक्स्ट कुछ लिखेंगे और उसको इमोजी के फॉर्मेट में या फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ से क्रिएट हो जाता है। फिर इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं क्लियर और शेयर से जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर लेंगे।
तो इसको आप यहाँ से बहुत ईजी तरीके से इस एप्लीकेशन को आपको क्रिएट हो जाएगा। तो अगर इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।